मैं तू बच्चे संभालती क्या? आंख मुझे गई यार, लग बैठ गई है। दोस्तों ये वाले चूजे जनवरी 1 को निकले थे मेरे भाई, आज 24 है तो 24 दिन के हो गए मेरे भाई फाइनली ये चूजे। एक बार इनकी ग्रोथ देखो, ये कितना मस्त बैठा है। नाइट में मैं हल्लू सा टोकरा उठाकर क्या कर रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ, माशाल्लाह कितने परफेक्ट है। 35 चूजे डाले थे हम इसको, तो एक खुले में छोड़े हैं हम थोड़े दिन बाहर, तो एक चूजे को गायब कर दिए मेरे भाई, यानी नेवल या बिल्ली क्या ही लेके गई शायद मेरे ख्याल से। नाइट में इस तरीके से हम गरम ढाप देते। मैं तू बच्चे संभालती क्या? बोल जल्दी से बोल, तू बच्चे संभालती तो बच्चे कल मिलने वाले हैं आपको। एक बार आपके अंडे दिखा दो। ओ भाई मुर्गी के जुआ हुए यार, मम्मा आपको जुआ हुए यार। ये देखो अंडों पे देखो, ब्लैक कलर के कैसे दौड़ रहे। फेस बताओ मम्मा आपका, आपके फेस पे भी है क्या? कोई टेंशन नहीं, कल आपको दवा मार दूंगा स्प्रे। अभी तो नाइट के कितने हो रहे, 7 बज रहे मेरे भाई, तो कल अर्ली मॉर्निंग पे ज़रूर आपको स्प्रे कर देंगे आपके अंडों को, ठीक है? कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर ये वाली दूसरी है हमारी। मम्मा आप फिर लड़े क्या? खून दिख रहा है आपकी आंख मुझे गई यार, दो आंखें मुझे क्यों गए आपके? खोलो आंखें खोलो, आपके अंडों पे भी जुआ है क्या? एक बार दिखा दो, थोड़ा सा उठ जाओ, इस पे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, उस पे ज़्यादा दिखाई दे रहे दूसरी पे। ये आंखें मुझे गई यार, इसको खोलेंगे, देखो अभी खुल गई, देखो थोड़ा सा पलक पकड़ के इस तरीके से खोलना मेरे भाई, थोड़ा। मम्मा रुक जाओ, आप लड़ना नहीं मम्मा, क्यों लड़ते हो, झगड़ा नहीं करना आप लोग। हाँ प्यार से बता रहा हूँ ना आपको, ये आँखी देखो कैसे मुझे गई, आपको इतना मार लग गया है। चलो अंडे अच्छे संभालो, अंडे पे अच्छा बैठो। जब ये खाने उड़ते हैं ना मेरे भाई, ये वाली इससे लड़ी बताता, देखो मैं किससे लड़े, आप लड़े ना। हाँ ये देखो ये वाली, वो इससे पहले की मुर्गी, दो लड़े जिससे, इससे नहीं लड़ी हुई लगता है उसकी, दूसरी से लड़ी हुई। मम्मा आपको कुरेजा आ रहा है क्या? इसकी आँखी देखो थोड़ा फूल गई यार, कुरेजा आ रहा है इसको, दवा पिला देंगे, कोई टेंशन नहीं मेरी मम्मा। यहाँ पर देखो ये वाली, थोड़ा सा कुरेजा आ रहा है। अभी आप बताओ आप लड़े हो क्या? नहीं आप भी नहीं लड़े हो, मस्त संभाल रहे हो। आपसे लड़ी हुई? नहीं आपसे भी नहीं हुई, और आपसे भी नहीं हुई, ये तो लड़ेगी ही नहीं किसी से, इससे लड़ेगी क्या? इससे भी लड़ी नहीं हुई यार, फिर किससे झगड़ा करी है ये? इससे भी नहीं करी, ये तो हमारी शरीर का है, पता नहीं कैसे हो गया है। इस मम्मा एक बार अंडे दिखा दे आपके, परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी 7:30 हो रहे हैं, मैं इंक्यूबेटर उठाने वाला हूँ, इसके अंदर कितने चूजे निकले मेरे तो नहीं मालूम, सुबह तो देखी तो एक चूजा निकला था, अभी देखो। ओ भाई माशाल्लाह कितने चूजे, 4 चूजे नज़र आ रहे। तो यहाँ पर हम इनको क्या करते हैं, ये छिलके निकाल देते हैं मेरे भाई, साइड पे डाल देते हैं। ये देखो यहाँ पर ये पूरे क्रॉक्स आ रहे, मे बी सुबह तक आपको बहुत सारे चूजे नज़र आएंगे मेरे भाई। जल्दी से हम ये वाला ढक्कन लगा देते हैं। अभी देखो मेरे भाई इतने सारे अंडे हमारे, लगभग बहुत सारे अंडे गंदे हैं मेरे भाई, अनफर्टाइल है ये ज़्यादा दिन की वजह से। हमारा इंक्यूबेटर उठाया हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो कितने सारे चूजे निकले हैं मेरे भाई। अभी क्या करते हैं हम, जो भी छिलके निकले हैं यहाँ पे, ये छिलकों को पूरों को मैं निकाल देता हूँ बाहर ये साइड पे, ठीक है इधर पे। और
और भी थोड़े अंडों में से चूजे निकलना है मेरे भाई। अभी देखो बहुत सारे अच्छे ही चूजे निकले, गिनो कितने, ये 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और भी निकलेंगे। ये इंक्यूबेटर में हम 90 एग्स लाए थे मेरे भाई डालने के लिए, उसमें 3 फुट गए थे, बाकी ये बचे 87 को मैं ये लाल कलर के पेन से मार्क लगाकर इंक्यूबेटर में डाला। यहाँ पर बहुत सारे अंडे हमारे ज़्यादा दिन पुराने रहने की वजह से अनफर्टाइल, गंदे हो गए मेरे भाई, और लाइट भी ठीक से नहीं रहती यहाँ पर। तो अभी हमारे घर का इंक्यूबेटर ब्लैक कलर में रहेगा इस तरीके का, इसमें हम हमारे घर के अंडों को डालते हैं मेरे भाई। यहाँ पर अपने घर के चूज़ों को, अंडों को मैं और फार्म के अंडों को एक ही दिन बिठाया था ताकि हम दोनों को मिलाकर एक मुर्गी को डालने के लिए। अभी मैं घर के अंडों को भी निकाल रहा हूँ। ये अंडों के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, हरे कलर के पेन से मार्क डाला हूँ यहाँ पर, देखो हरे कलर से। तो अभी इसमें थोड़ा कम निकले, और भी निकलना है मेरे भाई, बाकी है, बहुत सारे चूज़े आएंगे। मे बी हमारे घर के पास कैसे है ना, वाइट कलर के मुर्गा और मुर्गियाँ ज़्यादा है ना, मुझे ज़्यादा पसंद है। तो अभी इनको थोड़ा थोड़ा सा हम फार्म पे भी शिफ्ट करेंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाई देगा क्या क्या करते जाएंगे, इसीलिए बिल्कुल मिस मत होना वीडियोस। वैसे ये मुर्गी खुड़क बैठ गई है, बट इसको अंडों पर नहीं बिठाए मेरे भाई, 2-3 दिन से देख रहा हूँ यहीं पर बैठी है, गंदे अंडे है, ये गंदे अंडों पर बैठ गई है ये। इतने इंक्यूबेटर में हम डाले के बाद जो बच जाते हैं वो, चलो इसके लिए हम एक पोजीशन फ्री करें। यहाँ पे गेहूं दे दिए इसको खाने के लिए, और इधर फ्रेश पानी है मेरे भाई। वन टू थ्री 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो सही वाले चूजों को अच्छे से देखिए मेरे भाई, प्योर ओरिजिनल देसी चूज है। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिया हूँ, ये वाले 22 के दिन निकले थे मेरे भाई इंक्यूबेटर में। तो ये चूज़ों को हम क्या करें, ब्रोडिंग करें। आज जनवरी 24 है, यानी 1 महीना 2 दिन के चूज़े हो गए ये प्यारे से चूज़े। कितने ग्रोथ में दिख रहे हैं, देखो मस्त दिख रहे हैं माशाल्लाह। 1 महीने के चूज़ों की ग्रोथ अच्छी तगड़ी ग्रोथ आई है ब्रोडिंग में। अभी क्या कर रहे हैं हम, ब्रोडिंग छोड़कर इनको खुले में ला लिए बाहर, जो हमारा पॉडिशन है यहाँ पर आज़ाद रहेंगे अभी ये। तो आज़ाद मतलब थोड़ा बड़ा पॉडिशन, बिना लाइट के नीचे नहीं रहेंगे अभी से। ये कैसे पालेंगे यहाँ से आपको बता देता हूँ मैं। इससे पहले आप नहीं देखे हो अपने वीडियोस तो वो भी देखिए मेरे भाई, किस तरीके से ये इंक्यूबेटर में से निकले, और निकले के बाद हम इनको क्या खिलाए क्या पिलाए 1 महीने तक, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई अपनी प्लेलिस्ट में। पिछले वीडियोस में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, क्या नहीं मेरे भाई। इंक्यूबेटर में चूज़े निकले थे ये, हम कितने अंडे डाले, लगभग 30 या 35 अंडे अंडे डाले थे, तो 27 चूज़े निकले हैं मेरे भाई। 27 निकली तो उसमें से दोनों की मोर्टैलिटी हुई, 25 चूज़े अभी अपने पास सही सलामत मस्त है। भाई 2 चूज़े क्यों गए, बोले तो जो छोटे अंडों में से निकलते, जो निकलते समय यानी ज़्यादा टाइम लगा देते, ठीक तरीके से नहीं निकलते ना मेरे भाई, वो वाले चूज़ों की इम्यूनिटी कम रहे, सो चूज़ों की मृत्यु होती है, बट हमारा 100% हम लगाते हैं बचाने में। तो उस तरीके से निकले थे, निकले के बाद हम इनको स्टार्टर फीड खिलाए कंटिन्यू 1 महीने तक। दाना जो आप स्टार्टर फीड, पोल्ट्री स्टार्टर फीड बोल के नेट में मारी तो भी आपको ऑर्डर कर ले सकते हो, आपके पास में रहे सो एनिमल शॉप से भी मंगा ले सकते हो मेरे भाई, फीड की शॉप से। तो उसके बाद इनको एक बल्ब के नीचे, सौ बत्ती का बल्ब लगा दिए हम
एक फीट हाइट पे ज़मीन पे, उसके आजू बाजू से ही ये खाएंगे पिएंगे, पानी रख दिया अच्छे से। ये पानी में हम ब्रोटॉन कंटिन्यू मिलाए मेरे भाई, ब्रोटॉन क्या होती है, कितनी मिलाए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन अपने पिछले वीडियोस में है मेरे भाई। पूरा यही वीडियो में बताऊँ तो बहुत लॉन्ग हो जाता वीडियो, पिछले वीडियोस देखो, डिटेल से डाल लेते बताया हूँ मेडिसिन आपको। तो चलो अभी से ये बाहर रहने वाले किस तरीके से रह पाएंगे ये अगले वीडियोस में नज़र आएगा आपको। यहाँ पर इस तरीके से हम फ्रेश पानी में ब्रोटॉन एक ढक्कन मिला देकर, लगभग 2 लीटर पानी में एक ढक्कन ब्रोटॉन मिला देकर, यानी 5 ml मिला देकर इस तरीके से रख दिए मेरे भाई। आराम से खाएंगे यहाँ पे स्टार्टर फीड, ये पानी पियेंगे, मस्त पूरे पोटिशन में एंजॉय करेंगे। अभी अभी है ना, थोड़ा घबरा रहे ये। अभी हमारे बर्ड्स को भी खोल दिया हूँ मेरे भाई घर के आंगन में के, ये बर्ड्स को मेरे हाथ से खिलाई तो ही मुझे सुकून मिलता है मेरे भाई, अच्छा लगता है। तो अभी हम अर्ली मॉर्निंग इनको घ्यू दे देते और मैं खाई के बाद थोड़ा एक 4-5 दिन वाले बचा कर ये भी खिला देता हूँ मेरे भाई खाना, क्योंकि देखते रहते हैं मैं खाते रहता हूँ, तो इसीलिए उनको भी खिलाता हूँ प्यार से। चलो अभी ये वाले बर्ड्स हमारे बाहर घूमेंगे फिरेंगे, और जो अंडे देने वाले हैं वो घर में हो या घर के आंगन में जो बॉक्सेस रखते हैं हम, उसमें अंडा दे देते हैं मेरे भाई। कल का वीडियो देखिए और भी मज़ा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे भाई।